स्टूडेंट वेलकम टू द क्लास 7। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है रजिस्टर नंबर। आज हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका पूरा डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के बारे में आप जानते हैं। वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द काउंटिंग नंबर्स। हम पहले से इन फैमिलियर हैं काउंटिंग नंबर के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला है होल नंबर्स। होल नंबर्स भी हम पहले से पढ़ चुके हैं। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। जितने भी नेचुरल नंबर हैं साथ में जीरो और ले लीजिए, वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। ओके, कोई भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। नेचुरल नंबर के साथ सिर्फ जीरो और ऐड हो जाता है। बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव और काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव नंबर होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स हैं जो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स ध्यान रखिए, इंटीजर्स थ्री टाइप ऑफ इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड नल इंटीजर। नल इंटीजर से जीरो होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव का होता है ना ही नेगेटिव का होता है। ओके, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी। ऐसे नंबर जो ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। जो ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं और ए और बी जो हैं वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर आर नेचुरल नंबर। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखते हैं। दीज ऑल आर द फ्रैक्शंस। बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स भी जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की तरह ही होते हैं। ठीक है, लेकिन उनको फ्रैक्शन नहीं कहते, उनमें एक कंडीशन होती है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू द जीरो। ध्यान रखिएगा, क्यू कभी डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, तो रेशनल नंबर की एक खासियत है कि वो को इंटीजर्स की बात हो रही है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, और क्यू कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है। ओके, उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला है इंपॉर्टेंट नोट्स। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ढंग से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट, ईच ऑफ द नंबर -2/3, 3/8, 11/-5, -1/2/20 इज अ रेशनल नंबर। ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। दूसरे, जीरो इज अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0, 0/1। जीरो एक रेशनल नंबर होता है और जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट का तीसरा पॉइंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर जिनको आप कहते हैं, वो सारे के सारे आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। अगला है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हमने पढ़ा, चाहे नेगेटिव क्यों चाहे पॉजिटिव क्यों, ऑल आर रेशनल नंबर्स। पांचवा, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। जितने भी फ्रैक्शंस हैं चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे नेगेटिव का हो, ऑल आर द रेशनल नंबर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने, लर्न करने। इसके बाद नया जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं? अ रेशनल नंबर सेट टू बी अ पॉजिटिव। हम तभी उस रेशनल नंबर को पॉजिटिव कहेंगे इफ़ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव एंड बोथ। अगर उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव के हों या दोनों नेगेटिव के हों, तभी वो रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर का है में होगा, चाहे दोनों नेगेटिव चाहे दोनों पॉजिटिव। ओके, एग्जांपल यहाँ पे दे चुका हूँ मैं, -2/-3, 3/8, -11/-5, 1/2/23। ये सारे देखिए, कुछ पॉजिटिव के कुछ नेगेटिव के, ये आपके एग्जांपल। अगला है नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं? और रेशनल नंबर इज सेट टू बी अ नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सच दैट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड इंटीजर एंड वन ऑफ देम इज नेगेटिव इंटीजर। वो कह रहा है कि नेगेटिव इंटीजर उनको कहीं जिनमें से दो न्यूमरेटर पॉजिटिव में से कोई एक नेगेटिव का हो और दूसरा पॉजिटिव का हो। एग्जांपल आप देख सकते हैं, -2/3, 3/-8, 11/-5, 1/2/-23। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। देन द फर्स्ट प्लेस, इफ़ पी अपॉन की जो क्यू इज़ अ रेशनल नंबर। अगर पी अपॉन क्यू कोई रेशनल नंबर है और एम कोई कॉमन डिवीज़र है। ओके, सो पी एंड क्यू डिवाइड करते हैं, डिवीजर बाय पी एंड क्यू। तो पी अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय एम डज ऑन डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर बाय अ कॉमन डिवीजर इज रिमेन अनचेंज।
अगर किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड दिया जाता है तो आंसर चेंज नहीं होता है, ठीक है, रेशनल नंबर चेंज नहीं होता। देखो 32 और 36, तो 32 ठीक है, 4 से डिवाइड लगा 32 और 36 में, तो 8 और 9 आ गया। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमें यहाँ पे फाइंड हुआ है। ओके, दूसरा बात करते हैं इफ पी अपॉन क्यू इज अ रेशनल नंबर, अगर पी अपॉन क्यू कोई रेशनल नंबर है और एम कोई नॉन जीरो इंटीजर है और हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसमें तो आर रेशनल नंबर रिमेन अनचेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है, बस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर। अगर किसी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम जीरो सेम नॉन जीरो इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होते हैं। ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में फाइंड हो गया। थर्ड पॉइंट, फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, वी हैव ए अपॉन डी एंड सी विद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में अगर दो रेशनल नंबर आपने सामने दिए गए हों तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे कि विच रेशनल नंबर इज बिगर एंड विच इज स्मॉलर। ओके, तो दीज आर द ट्रिक्स एंड दीज आर द मेथड्स प्रॉपर्टीज, ध्यान से लर्न कर लीजिए। आज का आपका होमवर्क है, राइट एंड लर्न ऑल द डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में इन सभी डेफिनेशंस को, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को नोट करना है और उनको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।